प्रोसेस। लेकिन अपनी प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा क्लटर भरा है यहाँ पे। दिन भर सिर्फ सोचते रहते हैं, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर, व्हाट इफ आई गेट ब्लैंक इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, व्हाट इफ द पास परसेंटेज इज लो, व्हाट इफ आई हैव टू गिव द एग्जाम्स इन द न्यू कोर्स। इतना ज्यादा सोचते हो एंड देन आपको लगता है कि मैम एग्जाम को 15-20 दिन बचे हैं, अभी जब इफिशियंसी डबल होनी चाहिए मेरी तो इफिशियंसी हाफ पे आ गई है। रोज सोचती हूँ कि 10-12-15 घंटे पढ़ाई करोगे लेकिन 5 से 6 घंटे के ऊपर पढ़ाई नहीं हो पाती है। आपको पता है क्यों? एक साइकोलॉजी क्या बोलती है कि जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमेशा कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है तो इफिशियंसी हैम्पर हो जाती है, इफिशियंसी हैम्पर हो जाती है इसलिए आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते एंड डे एंड पे आपको डीमोरलाइज लगता है, आपको लगता है गिव अप कर देती हूँ, आपको लगता है कि यार इतना ज्यादा पढ़ने का सोचा था बट पढ़ाई कुछ नहीं हुई। द रियलिटी इज कि आप बस सोचते रह गए, आपने इतना ज्यादा सोचा, आप इतना ज्यादा एंशियस हो गए, बिकॉज हमेशा ध्यान में रखो द थॉट्स ऑफ द फ्यूचर क्रिएट दैट एंजाइटी इन यू और वो एंजाइटी के वजह से अंदर डर आ जाता है एंड वो डर के वजह से फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। यू नो एक कोट क्या बोलता है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। रियलिटी में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या एक्चुअल में पेपर्स डिफिकल्ट आए हैं? क्या क्या एक्चुअल में आप फेल हो गए हो? क्या क्या एक्चुअल में आप ब्लैंक हो गए हो क्या एग्जामिनेशन में? नहीं, बट आपका इमेजिनेशन में इतना ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है कि धीरे 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 योर सबकॉन्शियस माइंड इज फीलिंग कि एक्चुअल में रियलिटी हो गया है क्या, बिकॉज आप इतना ज्यादा सोचते हो। सी गाइस, आई एम नॉट टेलिंग यू कि थॉट्स नहीं आएंगे, वी आर गिविंग सी एग्जामिनेशन, आएंगे थॉट्स, इनफैक्ट हर एक घंटे में थॉट्स आएंगे। द प्रॉब्लम इज नॉट द फर्स्ट थॉट, द प्रॉब्लम इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोज थॉट्स। एक थॉट आ गया सपोज कि वॉट इफ आई फेल द एग्जामिनेशन, आएगा थॉट, आई एम टेलिंग यू आएगा थॉट, फिर आप क्या करते हो? दूसरा थॉट, सच्ची में यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? फिर तीसरा थॉट क्या आता है? अरे व्हाट इफ माय फ्रेंड्स पास में अकेली रह गई तो? फिर बाद में थॉट आता है, अरे नया कोर्स है, वापस सब पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते एक थॉट के वजह से चेन ऑफ थॉट्स गेट्स क्रिएटेड। आपको बस एक चीज करनी है, वो फर्स्ट थॉट आता है ना तभी उसको सबसाइड करना है। बस इतना बोलना है कि मेरे हाथ में है करंटली पढ़ाई करना, मेरे हाथ में है आज के दिन का टारगेट अचीव करना। फिर वो थॉट आएगा कि मैं फेल हो गई तो पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो बस खुद को इतना बोलना है, नहीं 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 मेरा नेक्स्ट 1 घंटे का मुझे टारगेट अचीव करना है, 1 घंटा सॉर्टेड। मैं बोल रही हूँ आपको, वापस दूसरे घंटे में वो थॉट आएगा कि यार नहीं 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 वापस नए कोर्स में जाना पड़ा, तो वापस सबसाइडेड बाय सेइंग नहीं, मेरे हाथ में जो है उसको मुझे जस्टिस देना है, 1 डे एट अ टाइम, 1 चैप्टर एट अ टाइम, मुझे बस इसको खत्म करना है। सिंपल, वो चेन ऑफ थॉट्स गेट्स क्रिएटेड, इसीलिए आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, बिकॉज धीरे 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 वो डर डेवलप होने लग गया आपके अंदर। आपको बस वो थॉट्स को सबसाइड करना है। हमेशा ध्यान में रखो, जो भी बड़ा इवेंट आता है ना, जो भी बड़ा इवेंट होता है उस टाइम पे प्रेशर रहता ही है। सीए एग्जामिनेशन इज वन सच इवेंट, प्रेशर रहने वाला है, यू नीड टू लर्न टू अब्सॉर्ब दैट प्रेशर। अभी परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो 11 प्लेयर्स पे 1,30,000, जो स्टेडियम में 1,30,000 लोग थे उनकी नजर टिकी हुई थी एंड जो बाकी करोड़ ऑफ लोग देख रहे हैं वो तो अलग। अगर उन्होंने तब प्रेशर ले लिया तो उनका हैंड शिवर करने लग गया तो वाइल बैटिंग, या फिर नर्वस हो गए वाइल फील्डिंग या वाइल बोलिंग, तो बैंड बच गई ना यार, दे वुडंट बी एबल टू परफॉर्म वेल। वो बस एक चीज सोचते हैं कि फॉरगेट एवरीथिंग एल्स एंड फोकस ऑन द गेम। आपको भी बस इतना ही करना है, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, एक्सपेक्टेशंस, अभी तक जो हुआ उसका गिल्ट, फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी एंजाइटी, सब सोच के बस एक चीज सोचो, ऑल आई हैव गॉट इज द नेक्स्ट 24 आवर्स एंड आई वॉन्ट टू गिव माई प्रॉपर जस्टिस टू द नेक्स्ट 24 आवर्स। I am going to act more than think. Comment in the comment section below. I am going to act more than think and I am going to be the best version of myself in these 15-20 days. फिर देखना आपका ब्रेन आपको डबल इफिशियंसी पे काम करने के लिए हेल्प करेगा। खुद को बस एक सिंपल बात बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक क्वेश्चन नहीं आया, दो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना, मुझे थोड़ी ना 90 मार्क्स 100 मार्क्स चाहिए, मुझे चाहिए 55-60 मार्क्स, दैट्स इट। आप खुद देखना, आप ऑटोमेटिकली रिजुविनेटेड फील करोगे। इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ टॉक यू आर हैविंग विद योरसेल्फ। फेक इट यार, फेक द कॉन्फिडेंस कि यार मैंने तो इस बार एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, मैं तो इस बार बस क्लियर करने ही वाली हूं, आई एम गोइंग टू गेट दैट पास ऑन माय मार्कशीट। बस स्टार्ट फेकिंग दैट कॉन्फिडेंस, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग गुड एंड आप डबल इफिशियंसी पे काम करना शुरू कर दोगे, दैट्स माय गारंटी। बस अभी ना हार नहीं माननी है अपने को। अरे क्या हुआ अगर सपोज अपने अब ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स और अगर अभी तक आपने पढ़ाई ही नहीं की है, तो अभी तक 15 डेज है, 2 सब्जेक्ट पढ़ाई करो, अभी तक एग्जेम्पशन एम कर सकते हो। ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हो, अभी तक आपके पास 25 डेज है, पूरा ग्रुप क्लियर कर सकते हो। यार अरे मेरा वर्कशॉप चल रहा था अभी लास्ट 1 मंथ का, इतने सारे स्टूडेंट्स, मैंने जब उनको टारगेट्स दिए या फिर 1.5 डे का प्लानर दिया या फिर एक एक चीज उनको जब बताई, 10 डेज में दे वर एबल टू फिनिश ऑफ 2-2 सब्जेक्ट्स।
सब्जेक्ट्स, 15 डेज में 3 सब्जेक्ट्स दे वर एबल टू फिनिश ऑफ, तो आपके पास भी उतना टाइम है. डोंट लेट दीज लास्ट 10-15 डेज गो वेस्ट. एंड अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो इवन यू कैन एनरोल इन द वर्कशॉप. 3 से 4 सेशंस हो चुके हैं, यू कैन वॉच देम इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट, और 2 से 3 सेशंस में लेने वाली हूँ. यू कैन ज्वाइन इन द लाइव, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स 24 आवर्स, सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैं एनरोलमेंट्स ले रही हूँ, उसके बाद आई एम क्लोजिंग डाउन द एनरोलमेंट्स. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो चेक इट आउट, एनरोल योर सेल्फ. यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन सजेस्टेड आंसर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. बस इस मोमेंट आके आपको गिव अप नहीं करना है. वी नीड जितना हाथ पैर मार सकते हैं अपने को हाथ पैर मारने हैं. इधर सिंक और स्विम, द चॉइस इज योर्स नाउ. ऑल्सो आई हैव गॉट वन अमेजिंग अनाउंसमेंट फॉर यू. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का आपको 7 डे फ्री ट्रायल मिल रहा है. यस, 7 डे फ्री ट्रायल. बस आप इसको अवेल कर सकते हो ओनली ऑन द 16th, 17th, or 18th ऑफ दिस मंथ. जस्ट यूज दिस कोड RCH10 एंड जस्ट आपको लॉग इन करना है, OTP आएगा एंड यू कैन अवेल द सब्सक्रिप्शन फॉर द 7 डेज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. गाइज आप सोचो, अभी आप नवंबर में एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसा एरिया है जो वीक है या जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये सब्सक्रिप्शन अवेल करके यू कैन वॉच दैट चैप्टर और वॉच दैट कॉन्सेप्ट और उसको डेप्थ में अभी तक पढ़ाई कर सकते हो. जस्ट यूज दिस कोड RCH10. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में 7 डे में जो भी आपको क्लास देखना है, जो भी आपको चैप्टर देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, अवेल कर लो यार, बिकॉज यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स बैचेस कंडक्ट करते हैं. यहाँ पे आपको लाइव इंटरक्टिव क्लासेस भी होते हैं अनअकैडमी पे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं. एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक मिलता है, मैराथन मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा. एंड अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं अनअकैडमी के मे अटेम्प्ट में या फिर CA फाउंडेशन के जून अटेम्प्ट में. अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो आपके लिए भी यूजफुल रहेगा. एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, जस्ट गो चेक इट आउट. आई एम गिविंग ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई विल सी यू सुपर सून. विश यू ऑल द बेस्ट. टाटा.